आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में। उपलब्ध करा दी जाती है जो उन्होंने प्रशंसनीय पाया। कोविड टेली काउंसलिंग सेंटर और कंटैक्ट ट्रेसिंग सेंटर भी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरीजों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भी बातचीत करते हैं। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी उल्लेखनीय कदम उठाया है। पुलिस रिकॉर्ड्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार महिला पुलिस कांस्टेबल्स प्रो एक्टिवली उन घरों पर जाती हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस की आशंका है, जिससे कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। अपने अनुभवों के आधार पर IMCT ने राज्य सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि भीड़भाड़ इलाकों में, स्लम्स में, बैंक की शाखाओं पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए और पुख्ता कदम उठाएं। मछुआरों के गांव में भी COVID-19 संबंधी जागरूकता बढ़ाने की अति आवश्यकता है। अस्पतालों में जो रिश्तेदार प्रतीक्षा कर रहे हैं या लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी जरूरी है। हेल्थ केयर वर्कर्स में PPE का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। ट्रक ड्राइवर्स की भी स्क्रीनिंग करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया। हमारी आशा है कि केंद्र और राज्य सरकार के एकजुट प्रयास से COVID-19 के नियंत्रण में हम सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले 24 घंटों में देश में 1,718 नए केसेस आए हैं, जिससे कि देश में रिपोर्ट हुए टोटल केसेस की संख्या अब बढ़कर 33,050 केसेस हो चुकी है। अगर हम देखें जो हमारे पास अभी एक्टिव मेडिकल सुपरविजन के केसेस हैं, तो वह संख्या 23,651 है। पिछले 24 घंटे में 630 पेशेंट वो क्योर भी हो गए, जिससे कि हमारे टोटल क्योर पेशेंट की संख्या बढ़कर अब 8,324 हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही हम लोगों ने अगर रिपोर्टेड डेथ केसेस की एनालिसिस करें तो पाया कि हमारे देश में केस फेटेलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट्स थे। अगर हम मॉर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड, 45 से 60 ईयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। उसमें भी अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60-75% में 42% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 ईयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फेटेलिटी नोट की गई है। इसके साथ ही 78% केसेस में जो डेथ रिपोर्ट हुई है उनमें कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि COVID-19 के संबंध में बोथ एल्डरली एज और कोमॉर्बिडिटीज रिस्क फैक्टर्स के रूप में पाए गए हैं। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट, जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें, तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में अब 40 डेज का भी डबलिंग रेट नोट किया गया है, वह है असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। यह बात मुख्य है कि हमें समझना चाहिए कि ओवरऑल स्टेट का डबलिंग रेट अच्छा होते हुए भी हो सकता है कि उस स्टेट के कुछ जिलों में केसेस का डबलिंग रेट हाई हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ये ऑब्जर्व करें, ये इंश्योर करें कि हमारा जहां एक ओवरऑल देश का डबलिंग रेट बढ़े, यानी कि
कम दिनों में ज्यादा दिनों में केसेस का डबलिंग हो, उसी हिसाब से हम अपने आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स में कंसंट्रेटेड वे में काम करें ताकि हम ओवरऑल डिजीज को इस देश में कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमने सब स्टेट से फिर से डिस्कस किया, उनको रिक्वेस्ट किया है कि कोविड-19 के केसेस को मैनेज करते समय हम ये भी इंश्योर करें कि नॉन कोविड रिलेटेड इसेंशियल सर्विसेज सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती रहें। नॉन कोविड इसेंशियल सर्विसेज से संबंध में ऑलरेडी 20 अप्रैल को एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत हमने कहा था कि वह मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हों, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रसी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगी, या साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायलिसिस, ऐसी जो भी डिजीजेज हो उनकी सर्विसेज भी रेगुलरली लोगों को प्रोवाइड की थी करती रहनी चाहिए। मिनिस्ट्री ने डायलिसिस के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी 7 अप्रैल को जारी किया था, साथ ही 9 अप्रैल को ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर कहा था कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उनके लोगों को क्योंकि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो ये इंश्योर किया जाए कि उनको प्रॉपर और अनइंटरप्टेड वे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मिलती रहें। राज्य में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट क्षेत्र के कई अस्पताल अपने रेगुलर पेशेंट्स को डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसी क्रिटिकल सर्विसेज को देने में किसी कारणवश भय की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी संकोच कर रहे हैं। वह अपने डर से अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को भी बंद कर रखे हुए हैं। उन स्थानों पर कई जगह पर यह देखा गया है कि वह सर्विस प्रोवाइड करने से पहले टेस्टिंग के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं। इस विषय में यह हाईलाइट किया। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी चल रही थी और साफ तौर पर बताया जा रहा था कि किन किन स्टेट ने अभी अच्छा काम किया है और कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश भी है।